भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? किससे पूछ कर वीडियो बना रहे हैं दीदी? ये क्या कर रहे हैं? ये किससे पूछ के वीडियो बना रहे हैं? अच्छी बात थोड़ी। हेलो गाइस, वेलकम है एक बार और मेरे यूट्यूब चैनल बूम बम संजय पर। तो आज हम निकल रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले अक्षय स्टूडियो ले जाऊंगा जहां पे शूटिंग चल रही है और मैं जिस लोकेशन पे काम करता हूं। ऑलरेडी मैं मुंबई से यहां बेंगलोर में इसीलिए आया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मैं जिस फ्लोर पर, वो सेकेंड फ्लोर है और मैं लिफ्ट से भी जा रहा हूँ। आया आया क्योंकि मेरी कार आ चुकी है। आप देखो ये मेरी कार है। आपका नाम क्या सर? योगेश। योगेश, योगेश जी के साथ जा रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर जाना है बस। इसके बाद हमारा जो अक्षय स्टूडियो है वो आ जाएगा। ये अक्षय स्टूडियो जाना है ना? हाँ, अक्षय स्टूडियो शूट उधर हो रहा है ना। देवराज जी भी होंगे उधर। तो सीरियल का नाम है अग्नि या साक्षी, अभी आने वाला है कलर्स पर। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अक्षय स्टूडियो, और ये भी एक फिल्म सिटी की तरह ही बना हुआ एक स्टूडियो है जहां पर हमारा फिक्स सेट है। और यहां पर देखिए शूट भी हो रहा है, हमारी ही सीरियल का है शूट है ये अग्नि साक्षी। शिफ्टिंग के बाद में हम लोग आ चुके हैं एक मोहल्ले में जहाँ पर भाऊ जीविका के फैमिली को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं सीरियल में, और वहीं पर सात्विक आते हैं और उसकी फैमिली को बचा लेता है। दौरान बहुत कुछ होता है, उसका यहाँ पर सीन लिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर पब्लिक भी है, बहुत है जो शूटिंग देख रही है। ऑलरेडी हम लोग ने परमिशन लिया होता है ये सब चीज़ों के लिए पुलिस से और लोकल अथॉरिटी से। अभी हम निकल चुके हैं एक दुकान के लिए जहाँ पर हमको एक सीन लेना है ज्वेलरी परचेस का, जहाँ जीविका अपने शादी के लिए ज्वेलरी परचेस करने के लिए जाती हैं सीरियल में दिखाई देंगी। तो हम उस शॉप पर जाएंगे अभी, ऑलरेडी शाम का वक्त हो चुका है। यहाँ हम लोग शूट करने वाले हैं, हमारा सीरियल आ रहा है अग्नि साक्षी, उसके लिए। तो ये देखिए आप लोकेशन है। हाँ अच्छा लग रहा है, आप ये लोग लाइटिंग अच्छी है इसकी। ये मैं भी डीओपी बनने वाला हूँ कुछ दिन। यही काम है। और एक बार आओगे सामने? कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, मत बस सोचो ये डीओपी भी कर रही जो कर रहे हो वो सुपर्ब है, शांति है, सुकून की जिंदगी है। आप लोगों ने जिन्हें देखा है ये क्रिएटिव टीम के सदस्य ही है, और इनकी एक टीम होती है जो कि बहुत ही भाई भाई तू हमारे हो क्या भैया? नहीं 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 नहीं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि बहुत अच्छी की बात ही अलग होती है। क्योंकि क्रिएटिव लोग क्या करते हैं कि टीवी पे जो भी आने वाला एपिसोड है उसमें बेटर से बेटर क्वालिटी और इमेज आपको पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये पूरा पैसा बचाएगा, पूरा सीरियल इसी से शूट करेंगे। सही बोला ना, मैं गलत कुछ नहीं बोला ना? नहीं नहीं आपको भैया कैमरे के सही बना रहा हूँ, बोलोगे हम कल बिल्कुल डायरेक्टर सर आएंगे उनको बोल देना ये कैमरा है इसको शूट करना। बाकी लोग हम लोग यहाँ पे शूट करने आए, बड़ा मजा आ रहा है, देख सकते हो ऐसी जगह। वरना
ये इन सब की सीनियर मैडम है, जब चाहे तब इनको गाली देती हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ नेल पॉलिश खरीदी हूँ, लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छा लगा और पैसे उन्हीं से वसूल रही हैं। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, किससे पूछ कर वीडियो बना रहे हैं दीदी, ये क्या कर रहे हैं, ये किससे पूछ के वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी है कि लड़की की वीडियो बनाना बिना पूछे उससे। आपको मारो मत प्लीज, मैं आपको जानती हूँ, नहीं आप मेरे पैसे नहीं कटवा सकते, ये गलत बात है। भैया कितने का दिया है डायरेक्टर? कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से मैं सूट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन लोकेशन आपको दिखा दिया आपके सामने लोकेशन। पैकअप होने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज पैदल चलते हैं अपने होटल तक, तो इसलिए मैं आज पैदल निकल चुका हूँ अपने होटल के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th क्रॉस रोड पर बहुत अंधेरा हो चुका है दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को सामने देखना पड़ेगा, बट मैं बात आप ही लोगों से कर रहा हूँ। सामने से लोग आ रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि लोगों से मैं भिड़ जाऊँ या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं वीडियो ना बना पाऊँ। संजय करने का और शेयर करने का, बाकी आपकी इच्छा हो जो करने। अरे भाई अब हर शूटिंग के बाद में ऐसे तमाशा होता है हर शूटिंग में।